हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस लाइव रिव्यू में जो है, मैं कई प्रकार के मैंने वॉलनट क्रैकर ले रखे हैं। तो ये देखिए, फटाफट जो है मैं आपको प्राइस बता देता हूं। तो इसमें जो है मटेरियल यूज़ किया गया है स्टेनलेस स्टील का, ये आपको 750 रुपये तक मिल जाएगा। तो ये जो है मुझे सबसे बेस्ट लगा और मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। सेम डिट्टो जो है ऐसा ही लुक में, और फीचर भी लगभग सेम है। तो ये जो है आपको 300 या 350 का पड़ जाएगा। मटेरियल जो है एल्युमिनियम एलॉय है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है यहाँ पर आप चाहो तो पिस्ता या बादाम भी तोड़ सकते हैं, जबकि इसमें जो है पिस्ता तोड़ने के लिए वो नहीं बना हुआ। और अगर दोस्तों ये देखेंगे तो ये बहुत ही पॉपुलर है, मतलब ऑनलाइन जो है आप देखोगे तो ये बहुत मिल रहा है। ये आपको 250 से लेकर 300 रुपये तक मिल जाएगा एल्युमिनियम मटेरियल। और इसमें भी आप यहाँ पर अखरोट और यहाँ पर पिस्ता वगैरह आप तोड़ सकते हैं। और तीसरा जो है ये एक अलग प्रकार का है, सेम 300 से 350 तक का। तो मटेरियल स्टेनलेस स्टील का है, मजबूत भी है, पर इसमें जो है आपका जो वॉलनट है वो भूरा भूरा हो जाता है। मैं सभी का डेमो दूंगा। तो चलिए फटाफट जो है मैं आपको बता दूँ कि आपको ये सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे अमेज़ोन पर। तो वीडियो की डिटेल में जो है आप इसके प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको इसके फीचर दिखाऊं तो ये देखिए, फ़ोटो के द्वारा तो आप ये इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये इसका डायमेंशन है और कैसे आपने प्रेस करना है। जस्ट काजू अखरोट रखा और हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। ये आप इसका लुक देख सकते हैं। और चलिए अब जो है मैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम 750 वाला ले रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए। तो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी पावरफुल भी है, आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। तो अगर एक बार में ना टूटे तो आप दोबारा इसको क्रैक कर सकते हैं। तो कई महिलाएं जो हैं बेलन से, कोई जो होता है चकला होता है मोटा सा, उसे तोड़ते हैं, कई हथौड़ी से तोड़ते हैं, कई दांतों से भी तोड़ देते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया। चलिए अब दूसरा कीजिए, तो आप ये देख लीजिए। तो ये हम दूसरा पीस कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो के नीचे जो है मैं वॉलनट का भी मतलब अखरोट का भी लिंक्स डाल दूंगा, तो आप ऑनलाइन अखरोट भी मंगवा सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, इसमें भी पूरा पूरा ही आता है, बस ये थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लगती है। आप ये देख लीजिए कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा ख़राब है। और अब जो है हम चौथे वाला, तीसरे वाला से करते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर है, ऑनलाइन मिल रहा है। तो इसमें जो है थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, आप ये देख लीजिए। तो इसमें नट्स के, छोटे छोटे नट्स के लिए आगे की जगह है, ये देखिए। तो जैसे आप प्रेस करोगे तो ये सारा का सारा जो है भूरा भूरा हो जाता है, पर इस बार शायद बच गया ना इस बार। इस बार बच गया। तो ज़्यादा ताकत से नहीं लगाना है, तो शायद आप इसमें भी आराम से क्रैक कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए, इस बार पूरा पूरा आया। तो बस यही है कि थोड़ी ताकत कम लगानी है। ये चौथे वाला दिखा दीजिए, ये भी काफी मजबूत है। ये देखिए, इसका जो हैंडल है ना, एक्चुअली ये फिसलता है हाथ से, तो ये हाथ में प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाता। तो इसका डिजाइन, इस डिजाइन अच्छा है। ये देखिए, इसमें तो पूरा ही क्रश कर दिया है, थोड़ा छोटे पीसेस कर दिए। तो थोड़ा कम ताकत से लगाते तो शायद ये बच जाता। ये आप ये देख लीजिए, तो ये है डिसएडवांटेज, एडवांटेज आप ये देख सकते हैं। तो वीडियो की डिटेल में जो है मैं दोस्तों सभी प्रकार के वॉलनट क्रैकर का लिंक डाल दूंगा, तो आप जो है चेकआउट कर लेना। और भी कई प्रकार के हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरे मॉडल भी, जैसे वुडन में भी आ रहा है, तो ये भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वॉलनट क्रैकर हैं, तो मैं सभी का रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मेरे पास ऐसी बहुत सारी किचन एसेसरी हैं जिनका मैं रिव्यू कर चुका हूँ और कईयों का रह गया है, तो मैं उनका भी फटाफट जो है लाइव रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।